लेकिन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में बात की थी हम लोगों ने, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो बेसिकली वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या होता है, यहाँ पे m स्लोप होता है और स्लोप का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, और इसी को हम लोग tan थीटा कहते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन में अगर m पॉजिटिव है यानी कि tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, अगर m पॉजिटिव है इसका मतलब है tan थीटा पॉजिटिव होगा यानी कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी। और दूसरी जरूरी बात कि अगर m नेगेटिव है तो tan थीटा भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी। थीटा क्या होता है ये समझना बेहद ज़रूरी है। स्लोप वाला एंगल कोई भी स्ट्रेट लाइन प्लस x डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, इसी एंगल को हम लोग स्लोप वाला एंगल थीटा कहते हैं। ये एंगल कोई कह सकता है ये ले लेता तो, नहीं ये नहीं लेना होता है, हमेशा एंगल बाहर की तरफ लेते हैं, हाँ इस तरफ लेते हैं और इस x एक्सिस से ऊपर वाला, बाहर और ऊपर दो बातें ध्यान रखनी है, बाहर यानी कि प्लस x की तरफ और इस एक्सिस से ऊपर, ये दो बातें ध्यान रखनी है। इसी एंगल को हम लोग स्लोप वाला एंगल कहते हैं। जैसे तुम सोच रहे होगे कि ये मोर देन 90 वाला एग्जाम्पल कैसे समझ में आएगा, तो ये x है और ये y एक्सिस है और मान लो स्ट्रेट लाइन ये है, तो इस लाइन का ये जो एंगल बनेगा इसे कहते हैं स्लोप वाला एंगल। हमने कहा था ना बाहर इस तरफ, बाहर और इस एक्स एक्सिस से ऊपर, बाहर और ऊपर, बाहर और ऊपर, इस एंगल को हम लोग स्लोप वाला एंगल कहते हैं। और स्लोप इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स, जिसे हम लोग टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये जो सी कॉन्स्टेंट होता है ये होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पर कटने वाला इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्ट्रेट लाइन इस प्रकार की है, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन हमारी ये ग्राफ है, तो इसमें ये जो नजर आ रहा है ये है सी यानी कि वाई एक्सिस पर कटा हुआ इंटरसेप्ट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, टाइम बहुत कम है, थोड़ा ध्यान से बात को सुनिएगा, 5 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए ये एक्स और वाई एक्सिस है और ये स्ट्रेट लाइन की का ग्राफ है, तो यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है ये सी है वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट, ये वाई है और ये माइनस वाई है। वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा ओरिजिन के ऊपर या ओरिजिन के नीचे, इंटरसेप्ट अगर दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो ओरिजिन के ऊपर होगा या ओरिजिन के नीचे होगा, और ये हमेशा वाई एक्सिस पर होगा, ये इंटरसेप्ट बोला जाएगा। और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये स्लोप वाला एंगल होगा, हमने कई बार अभी ये बात डिस्कस की है, स्लोप वाला एंगल कहाँ होता है, स्लोप वाला एंगल कहाँ होता है, ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ होता है और एक्सिस से ऊपर होता है, ये बाहर की तरफ, ये जो ऊपर वाला एंगल है इसे हम लोग स्लोप वाला एंगल कहते हैं। इन बातों को अगर समझ लिया है तो मेरे हिसाब से ये कुछ एग्जांपल्स बहुत जल्दी समझ में आ जाने चाहिए। पहला एग्जांपल ले रहे हैं, वाई इज इक्वल टू 4x, वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो यहाँ पर देखो ये जो स्लोप है जिसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग टेन थीटा भी कहते हैं, जो कि 4 है यानी कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब है थीटा लेस देन 90 होगा, और इंटरसेप्ट की वैल्यू प्लस 5 है, ठीक है ना। तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाओ जिसमें पहले इंटरसेप्ट बनाया करो, ये एक सलाह दे रहे तुमको हम कि पहले इंटरसेप्ट बनाया करो, फिर स्लोप पर ध्यान दिया करो। तो इंटरसेप्ट प्लस 5 है, तो पहले तो इंटरसेप्ट प्लस 5 पे निशान लगा लो अंदाजे से, ठीक है ना। और स्लोप डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा पॉजिटिव है, तो अगर स्लोप पॉजिटिव है
तो स्ट्रेट लाइन ऐसी होनी चाहिए जो प्लस एक्स डायरेक्शन से जो जो प्लस एक्स डायरेक्शन से ये प्लस एक्स जो प्लस एक्स डायरेक्शन से लेस देन 90 एंगल बनाए। ये देखिए ये थीटा लेस देन 90 है, तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ है, बिल्कुल करेक्ट ग्राफ है, ठीक है ना। ऐसे ही एक एग्जांपल जल्दी से और लेकर समझाते हैं कि y इज इक्वल टू माना कि लिखा हुआ है माइनस 4x और प्लस 5। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो स्लोप है जिसे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं, जिसे हम लोग टेन थीटा भी कहते हैं, वो यहाँ पर माइनस 4 है, यानी कि स्लोप निगेटिव है, यानी कि थीटा हमको ग्रेटर देन 90 बनाना है, ठीक है ना। और इंटरसेप्ट पॉजिटिव 5 है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तुम पहले इंटरसेप्ट बनाना तो तुम्हारा ग्राफ जल्दी और ज़्यादा सही बन पाएगा। इंटरसेप्ट प्लस 5 है तो प्लस 5 पे निशान लगा दिया, और थीटा 90 से बड़ा है तो स्ट्रेट लाइन ऐसी होनी चाहिए कि ये एंगल जो दिखाई पड़ रहा है वो 90 से बड़ा दिखाई पड़े। मान लो कि तुम ये कहते हो कि ठीक है भाई आपने उधर बना दिया, मान लीजिए हम इधर, मान लीजिए कि हम उधर नहीं बल्कि इधर बना देते तो क्या गलती हो जाती? हाँ, बहुत बड़ी गलती हो जाती। इंटरसेप्ट 5 लेते हुए तुमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई, तो जब तुमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई तो जो स्लोप वाला थीटा है वो लेस देन 90 हुआ, जबकि हमारी एनालिसिस बता रही है कि थीटा को 90 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन गलत और ये स्ट्रेट लाइन सही बनी हुई है। जो रेड से बनी है वो सही बनी है, ये जो येलो से लेफ्ट साइड बनी हुई वो गलत बनी हुई है। इसी को समझते और देखते हुए जल्दी से ये एक इक्वेशन और देखिए, फाइनल इक्वेशन है, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू -6x -5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्लोप भी नेगेटिव है, स्लोप जिसे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, जिसे हम लोग टेन थीटा भी कहते हैं, 4-5-6 बार हम ये बात बता चुके हैं, बोल चुके हैं, ये माइनस एक्स है, नेगेटिव है, यानी कि थीटा को हमें 90 से बड़ा हर हालत में बनाना है। और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, इंटरसेप्ट -5 है, मतलब निगेटिव है। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि पहले इंटरसेप्ट बनाना तो ग्राफ जल्दी बन जाएगा और सही भी बन जाएगा। तो इंटरसेप्ट निगेटिव है तो पहले निगेटिव y पे निशान लगा लो, ये प्लस y है, ये देखो प्लस y, ये ओरिजिन है, ये प्लस y और ये माइनस y, तो इंटरसेप्ट निगेटिव है तो निगेटिव पे निशान लगा लो। और उसके बाद ध्यान से देखो तो थीटा 90 से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा बनाने के लिए तुमको अंदाजा लग रहा हो कि तुम यहाँ पर आओगे और तब जाके ये जो एंगल थीटा है वो 90 से बड़ा बनेगा और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को सही माना जाएगा। तुम अगर ये कहना चाहते हो कि नहीं, अगर हम ये ग्राफ ना बनाते बल्कि -5 का इंटरसेप्ट लेते हुए अगर हम ये ग्राफ बना देते तो क्या गलत होता? तो हमने कहा नहीं भाई, गलत क्या होता, इंटरसेप्ट तो तुमने अभी भी माइनस का 5 बनाया हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारा जो स्लोप वाला एंगल है वो लेस देन 90 हो गया है और इसी वजह से ये ग्राफ गलत है, और जबकि यहाँ पर सब कुछ सही है तो ये ग्राफ बिल्कुल सही ग्राफ माना जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बातों की प्रैक्टिस करने के बाद ये दो एग्जांपल्स हैं जो तुम अपने आप कर लेना और हमको भेज देना इनके ग्राफ बना के। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x + 6, दूसरा एग्जांपल है y इज इक्वल टू -5x + 6, और तीसरा एग्जांपल है y इज इक्वल टू -5x - 6। ये तीन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और इनके ग्राफ बनाकर जरा हमको बताना ग्रुप में कि क्या तुम्हारे आंसर आ रहे हैं। अपने आंसर अपने नाम के साथ ही भेजना, बिना नाम के मत भेजना।